दोस्तों मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट के बारे में, जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके डे टू डे एग्जामिनेशन में, SSJEE और RRB एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्क्रीट एक फ्रेश मटेरियल होता है जिसके साथ आप किसी भी शेप में, किसी भी मॉडल में आप उसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, राइट। बेसिकली कंक्रीट जो होता है इसमें सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, सैंड, ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जिसके माध्यम से आप एक प्लास्टिक पेस्ट बनाते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, और ये प्लास्टिक पेस्ट आप वेट स्टेट में या फिर हार्डन स्टेट में यूज भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कंक्रीट के लिए। जो पहले 48 आवर्स होते हैं इसमें इनिशियल स्ट्रेंथ, ओके राइट, इनिशियल हार्डनिंग, प्रॉपर वर्केबिलिटी, गुड स्ट्रेंथ, ऐसे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए 48 आवर्स काफ़ी ज़रूरीमंद होते हैं। प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस होने के लिए ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इट कंट्रोल द लॉन्ग टर्म बिहेवियर, इन्फ्लुएंस द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक मॉडुलस, क्रीप एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, देखा जाए तो कंक्रीट में आपको लॉन्ग टर्म बिहेवियरल समझ में आता है, जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा, उसमें क्रीप अगर आ रहा है तो उसके क्या चांसेस है, अगर ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी तरीके से डेवलप करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इन्फ्लुएंस करती है आपके कॉन्क्रीट के बिहेवियर को, ओके मतलब इम्पैक्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ गिवन मिक्स प्रोपोर्शन इज वेरी सीरियस अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्क्रीट लेता है, कितने भी हाइट से फेंक देता है, ओके कैसे भी कर देता है, कितना भी मिक्स उसमें डाल देता है, ओके तो उन चीज़ों से आपके कॉन्क्रीट के वर्केबिलिटी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपका भले ही कॉन्क्रीट कितना भी अच्छा आपने बनाया क्यों ना हो, लेकिन उसको कॉम्पैक्ट करने के तरीके अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको गलत कॉन्क्रीटिंग के क्या कह सकते हैं कि गलत कॉन्क्रीटिंग के बोल सकते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कॉन्क्रीटिंग आपको देखने को मिल सकती है। जब आप शटरिंग आप निकालेंगे, फॉर्मवर्क आप निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई कई जगह पे प्रॉपर कॉन्क्रीट घुसा ही नहीं है, ओके आपको स्टील वर्क ही दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है इम्प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग की, जो आपके कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करते हैं। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट mix such that the concrete can be transported, placed and finished easily without segregation. ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि कंक्रीट आप जब भी ट्रांसपोर्ट करते हो और जब भी उसको जिस जगह पे आपको पोर करने वहाँ पे प्लेस करते हो तो वो उसको इस तरीके से प्लेस करना है ताकि उसमें सेग्रीगेशन ना हो, ओके ना। अभी हम बात करेंगे दोस्तों फ्रेश कंक्रीट के बारे में कि फ्रेश कंक्रीट होता क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जो फ्रेश कंक्रीट में आपको देखनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जामिनेशन में, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, जैसे कि वर्केबिलिटी, प्रॉपर वर्केबिलिटी होनी चाहिए आपके कंक्रीट में। ठीक है, कोहेजन एंड सेग्रीगेशन के भी प्रॉपर्टीज में देखी जाती है, ब्लीडिंग की प्रॉपर्टीज देखी जाती है, हाइड्रेशन होना चाहिए प्रॉपर्ली, और एयर एंट्रेनमेंट इसमें प्रॉपर्ली ऐड होना चाहिए। तो एयर एंट्रेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे एडमिशन के लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो हम वर्केबिलिटी को थोड़ा समझते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्केबिलिटी इज वन ऑफ द फिजिकल पैरामीटर ऑफ कॉन्क्रीट, एक फिजिकल पैरामीटर है कॉन्क्रीट का। ठीक है, जो अफेक्ट करता है, विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अपियरेंस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। मतलब वर्केबिलिटी एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है कॉन्क्रीट का जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ, कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी, ओके साथ ही साथ लेबर और लेबर की खर्चे, और उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोडक्ट को किस तरीके से अपीयरेंस देना है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें आपकी वर्केबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। कॉन्क्रीट इज सेट टू बी वर्केबल। अभी कॉन्क्रीट को वर्केबल कॉन्क्रीट कब बोलेंगे, अभी वर्केबिलिटी के बारे में तो हमें समझ में आ गया कि वो एक वर्केबिलिटी का ऐसा पैरामीटर है, अगर वो ठीक नहीं हुआ इसका मतलब आपका कॉन्क्रीट में कुछ गड़बड़ है और उससे जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो भी गड़बड़ मिलने वाले हैं। लेकिन अब कैसे, कौन से ऐसे कॉन्क्रीट को हम वर्केबल कहेंगे, तो उस कॉन्क्रीट को आप वर्केबल कहेंगे व्हेन इट इज इजीली प्लेस, जो कि इजीली प्लेस हो जाए,
कॉम्पैक्ट होमोजीनियसली हो जाए, ओके, मतलब प्रॉपर तरीके से हम मशीन जैसे वाइब्रेटर मशीन, वाइब्रेटर नीडल का यूज करके जो हम प्रॉपर कॉम्पैक्ट करते हैं उनका यूज करके प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करें विदाउट ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जो आप प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लेस करते हैं वही कॉन्क्रीट आपको क्या कर सकता है, प्रॉपर वर्केबल कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी गेन कर सकता है। मतलब अगर आपको किसी ने एग्जाम में पूछा कि भाई बताइए कि कॉन्क्रीट वर्केबल है इसका मतलब क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऐसा कॉन्क्रीट जो कि इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इजिली प्लेस हो जाए, इजिली कॉम्पैक्ट हो जाए विदाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, ठीक है, इस कॉन्क्रीट को आप वर्केबल कॉन्क्रीट कहेंगे। तो अनवर्केबल कॉन्क्रीट मतलब क्या होगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मगर अनवर्केबल कॉन्क्रीट किसको कहेंगे फिर, ठीक है। तो अनवर्केबल कॉन्क्रीट नीड मोर वर्क और इफर्ट टू बी कॉम्पैक्टेड इन प्लेस, मतलब अनवर्केबल कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट होता है जिसको कॉम्पैक्शन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, ओके। ऑल्सो हनीकॉम उसमें दिखेंगे, मतलब बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे उसमें, दैट इज पॉकेट्स में ऑल्सो बी विजिबल इन द फिनिश कॉन्क्रीट, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट डालने के प्रॉपर पोर करने के बाद जब आप उसको उसकी फॉर्म वर्क निकालेंगे तो आपको बड़े बड़े गड्ढे कॉन्क्रीटिंग में दिखेंगे, तो ऐसे कॉन्क्रीट को आप क्या कहेंगे, अनवर्केबल कॉन्क्रीट कहेंगे। देखिए एज पर आईएस कोड 6461 पार्ट 4 1973 के हिसाब से वर्केबिलिटी को एक डेफिनेशन दी गई है और वो डेफिनेशन ऐसी है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स कॉन्क्रीट और मोर्टर विच डिटरमाइन द ईज एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन बी इजिली मिक्स प्लेस कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश, मतलब एक ऐसा कॉन्क्रीट ओके जिसमें फ्रेश मिक्स की प्रॉपर्टी हो ओके और मोर्टर हो विथ जो कि इजिली एक ऐसी होमोजेनिटी क्रिएट करे आफ्टर मिक्सिंग प्लेसिंग कॉम्पैक्टिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है, मतलब ऐसा कॉन्क्रीट जो एक फ्रेश कॉन्क्रीट हो और वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इजिली कॉम्पैक्ट हो जाए ओके प्रॉपरली प्लेस हो जाए और अच्छी फिनिशिंग दे, उस कॉन्क्रीट को आप क्या कह सकते हैं, वर्केबल कॉन्क्रीट कह सकते हैं। वर्केबिलिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेथड, अभी देखिए वर्केबिलिटी का ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऐसा है और उसके लिए वैसा है, वर्केबिलिटी डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, ओके। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉम्प्रेक्शन एडॉप्टेड एट साइट, ओके, दैट इज वेदर द कॉम्पैक्शन इज अचीव बाय रैम्पिंग और बाय वाइब्रेशन। देखिए बहुत जगह पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप कॉन्क्रीट को रैम्प कर रहे हो, मतलब थम कर रहे हो, या फिर एक वाइब्रेशन मशीन से आप उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये अलग अलग चीज़ें होती है प्रॉपर कॉन्क्रीट को पोर करने की। देयरफॉर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट विल डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ वर्क, थिकनेस ऑफ द सेक्शन, स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट एंड मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका कॉन्क्रीट प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हो ही रहा है इसका मतलब उसमें अच्छी वर्केबिलिटी है, इट डजेंट मीन लाइक दैट, इट डिपेंड होता है आप कौन से कॉन्क्रीट के लिए किस टाइप का कॉम्पैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, ओके। अगर आप किसी भी कॉन्क्रीट वर्क के लिए कोई भी टाइप का कॉम्पैक्शन मेथड यूज करते हैं तो आपके कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। As the word workability has very wide significance on the quality of the concrete. देखिए मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आप workability लाने के लिए कोई भी different तरीके किसी भी particular concrete के लिए use करते हो तो आपको अच्छी quality नहीं मिलेगी। Many research worker fail to define the workability precisely. और बहुत सारे ऐसे failed research भी है जिन्होंने workability को सही से define नहीं कर पाए हैं। Another similar term used to describe the fresh prepared concrete is consistency. ठीक है, अभी अगर मैं वर्केबिलिटी को एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस करूं तो वो हो सकता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, जिसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है विच इज द ईज विथ विच इट विल फ्लो, इट विल वेटनेस द कॉन्क्रीट एंड मेजर द फ्लूडिटी और मोबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंसी को आप वर्केबिलिटी के साथ अगर आप रिप्लेस करते हो तो उसके माध्यम से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कॉन्क्रीट का फ्लो कैसा है, ओके, जब आप कॉन्क्रीट मिक्स कर रहे हो तो उसका फ्लो कैसा है, ओके, उसकी वेटनेस कैसी है, ओके, और उसकी फ्लूडिटी किस तरीके से है वो अगर आप मेजर कर सकते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने का, ओके। वेट कॉन्क्रीट और मोर वर्केबल देन ड्राई कॉन्क्रीट, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, जो वेट कॉन्क्रीट होता है ये ड्राई कॉन्क्रीट से काफी वर्केबल होता है, बट कॉन्क्रीट ऑफ द सेम कंसिस्टेंसी मे वेरी इन वर्केबिलिटी, ठीक है। अगर आपका वेट कॉन्क्रीट कुछ ज्यादा ही उसमें एडमिक्सर अगर आपके डाल दिए तो आपकी क्या होगी, वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अ फैक्टर विच हैज हाई कंसिस्टेंसी बट
एंड विच इज मोर मोबाइल नीड टू बी राइट वर्केबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपको कॉन्क्रीट की हाई कंसिस्टेंसी है, ओके, जो कि काफ़ी मोबाइल है, काफ़ी वर्केबल है, ठीक है, बट नीड नॉट टू बी राइट, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपका एकदम सही ही कॉन्क्रीट है। आपको उसके ऊपर प्रॉपरली उसकी सही टेस्टिंग करनी होगी, उसकी प्रॉपर चेकिंग करनी होगी, कितना वर्केबल है, किस तरीके से उसकी फ्लूडिटी है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ऐसी कौन कौन सी टेस्ट है जिनके माध्यम से आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक कर सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर में अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, जैसे कि स्लम टेस्ट हो गया। स्लम टेस्ट आपको कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिफाइन करता है कि आपका कंक्रीट प्रॉपर है या नहीं, ओके। फिर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट भी आपको वर्केबिलिटी मेजर कराता है, ठीक है। फ्लो टेस्ट भी आपको वर्केबिलिटी मेजर कराता है, केलिबोल टेस्ट भी आपको वर्केबिलिटी मेजर कराता है, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी आपको वर्केबिलिटी मेजर कराता है। तो ये जो मैंने आपको 5 टेस्ट बताई है, दीज आर द मेथड्स, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दीज आर द टेस्ट टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट की अगर वर्केबिलिटी आपको मेजर करनी है तो आपको इन टेस्ट के माध्यम से ही आप वर्केबिलिटी मेजर कर सकते हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर है दोस्तों जो वर्केबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं? सो वाटर कंटेंट, ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन, जैसे वाटर ज्यादा हो गया या वाटर कम हो गया, तो ये फैक्टर आपके वर्केबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। मिक्स प्रोपोर्शन, सीमेंट ज्यादा हो गया, सैंड कम हो गई, एग्रीगेट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये मिक्स प्रोपोर्शन भी आपके वर्केबिलिटी को कम कर सकता है। साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर आपने एंगुलर एग्रीगेट के जगह, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपकी जो एग्रीगेट होते हैं एंगुलर शेप में होते हैं, लेकिन अगर आपने राउंड शेप वाले अगर एग्रीगेट यूज कर लिए तो क्या इसमें बॉन्डिंग बनेगी? क्या नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप एंगुलर शेप वाले यूज करते तो इसमें क्या होती है? बॉन्डिंग बनती है। इसके वजह से ही हमेशा ध्यान में रखना कि साइज ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट, साइज ऑफ एग्रीगेट काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है वर्केबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। जैसे साइज एंड शेप, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, मतलब साइज एंगुलर होना चाहिए और उस एंगुलर का प्रॉपर शेप भी होना चाहिए, प्रॉपर साइज भी होना चाहिए, ठीक है। सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, प्रॉपर जो एग्रीगेट आप यूज़ करोगे उसका सरफेस टेक्सचर प्रॉपर होना चाहिए। ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट प्रॉपर होनी चाहिए, और जो भी एडमिशन आप यूज़ करने वाले हैं उसकी केमिकल अगर एडमिशन यूज करने वाले हैं तो उसकी लिमिट काफ़ी लो होनी चाहिए, प्रॉपर मिक्स में होना चाहिए। और मिनरल अगर एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं तो एडमिशन अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी मिक्स प्रोपोर्शन प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि वॉट आर दी फैक्टर जो वर्केबिलिटी को डिफाइन करते हैं, तो आपको ये फैक्टर बताने पड़ेंगे, वाटर कंटेंट, मिक्स प्रोपोर्शन, साइज ऑफ द एग्रीगेट, शेप ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, ग्राइंडिंग ऑफ द एग्रीगेट, यूज ऑफ द एडमिक्सचर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, आने वाले वीडियो में हम फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कोएसिंग, कोएजन, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन को भी डिफाइन करेंगे और टेस्ट को भी समझेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं नहीं देखते हैं, बट द सीन इज जब तक आप चीज़ों को एंड तक समझेंगे और चीज़ों को एकदम डिटेल में समझेंगे तभी जाके आपको किसी भी कंसेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। तब तक आपको नहीं मिल सकती जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने में ही आपकी भलाई है, जिसके माध्यम से आप कोई भी एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।